हम लोग एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है, जहां m कोई पूर्णांक हो। एक छोटा सा करके देखते हैं कैलकुलेशन। यहां मैंने कुछ नंबर के स्क्वायर्स लिए हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 1, यानी ये किस फॉर्म में है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। 9 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी r की जगह पे यहां कुछ नहीं, 0। 4 के स्क्वायर 16 को डिवाइड किया तो 5 बार में 1, ये m के बदला में मैं 5 लिख रहा हूं, 5 के बदला में m लिख रहा हूं, और ये m रिमाइंडर ये r है लिखा हुआ आपका। उसी तरह 5 के स्क्वायर 25 को डिवाइड किया तो क्या आया। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन हमें क्या बताता है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे 3 से, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर 0 बचेगा, यही दिखा रहा है ना। अब इस चीज को मैथमेटिकली यूक्लिड के लेमा के मदद से कैसे लिखेंगे, आइए उस पर फोकस करते हैं। मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर उसको हमको 3 के फॉर्म में लिखना है, तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 3q के फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 3q प्लस 2, यानी किसी नंबर को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो वह पूरा पूरा डिवाइड होगा, या रिमाइंडर 1 देगा या रिमाइंडर 2 देगा, यही तीन सिचुएशन पॉसिबल है। अब हमारे पास तीन स्थितियां हैं। पहला, जब a इक्वल्स 3q है, हमको क्या करना है, वर्ग के फॉर्म में चेक करना है, तो हमको क्या करना है, इस a का स्क्वायर कर लिए तो 3q का भी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, a स्क्वायर इसमें से 3 कॉमन ले लिए और यहां क्या आ गया, 3q स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर आपको 9q स्क्वायर देगा, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3m, और m किसको मान लिया, ये 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, यानी क्या प्रूफ हो गया कि नंबर का स्क्वायर जो है वो 3m के फॉर्म में है। सिचुएशन 2, जब रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी नंबर a जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसी फॉर्म से इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये क्या आ गया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 a स्क्वायर। अब इस पूरे में इन दोनों में से 3q कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बच जाएगा, 3q, और इसमें से 3q बाहर आ गया तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2 1, और q टाइम्स 3q प्लस 2 को हम m मान ले रहे हैं, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है, 3m प्लस 1, यहां m क्या है, q टाइम्स 3q प्लस 2, यानी ये फॉर्मेट कौन सा हो गया, 3m प्लस 1 का। सिचुएशन 3 क्या आ रहा है, जब a इक्वल्स 3q प्लस 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है इस केस में, फिर से हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिए तो ये एक्सपेंड, इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीनों में 9q स्क्वायर 12q और 3 में हमने 3 को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, और ये वाला 1 ऐसे ही रह गया। इस पूरे चीज को हम m मान लेते हैं तो a स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1, जहां m क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को आप लीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है या रिमाइंडर 1 देता है।